अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज से सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें, जिससे कि वीडियो आपको टाइम से मिल सके। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ ऐसी जगहों के बारे में जिनको रहस्यमयी कहना गलत नहीं होगा। इन जगहों के बारे में जानकर आपको डर भी लग सकता है, तो चलिए शुरू करते हैं। कुलधारा राजस्थान। करीब 200 साल पहले कुलधारा में 1500 से भी ज्यादा पालीवाल ब्राह्मण रहा करते थे और ऐसा माना जाता था कि वे करीब 5 सेंचुरी से वहां रह रहे थे। लेकिन एक दिन वहां के सभी लोगों ने, जिसमें कि 85 गांव के सभी लोगों ने साथ मिलकर रात ही रात में वो जगह छोड़ दी। अगर लोक कथाओं की मानी जाए तो उन लोगों ने उस जगह को वैसे का वैसा ही छोड़ दिया था और शपथ ली थी कि वे इस जगह पर दोबारा नहीं आएंगे, जिसके बाद से वो लोग कुलधारा को शापित मानने लगे। पोदिनी केरला। ये एक छोटा सा गांव है जो कि केरला के डिस्ट्रिक्ट में है। ये गांव सिर्फ अपने देश में ही नहीं बल्कि दूसरे देशों में भी चर्चा का विषय रहा है, जिसकी वजह है यहाँ के असामान्य रूप से बड़ी संख्या में जुड़वा बच्चों के जन्म का लेना। मतलब कि इस अकेले गांव में 200 से ज़्यादा पेड़ जुड़वा बच्चों के हैं, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। और यहाँ के हैरान करने वाली बात ये भी है कि अगर यहाँ की गर्ल्स की शादी कहीं और भी होती है तो उनको भी ज़्यादातर जुड़वा बच्चे ही होते हैं, इसलिए इस गांव को जुड़वा बच्चों के गांव के नाम से जाना जाता है। कोनका ला पास लद्दाख। ये जगह भारत और चीन के बीच सीमा क्षेत्र में 16,970 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। हालांकि ना तो भारतीय और ना ही चीनी सेना बल इस क्षेत्र में गश्त करते हैं, लेकिन सीमा के दोनों ओर के स्थानीय लोगों का मानना है कि इस जगह पर किसी और दुनिया के लोग ही बसे हुए हैं। इस जगह पर UFOs और अजीब चीजें देखना आम सी बात है। रूपकुंड उत्तराखंड। हर साल रूपकुंड झील में जैसे ही बर्फ पिघलती है, यहाँ सैकड़ों मानव कंकाल तैरते हुए दिखाई देते हैं। शोधकर्ताओं का मानना है कि ये लाशें करीब 1200 साल पुरानी है। कोई भी निश्चित रूप से ये नहीं जानता कि ये लोग कौन थे और वे हिमालय के ऐसे दुर्गम क्षेत्र में क्या कर रहे थे। ये जगह लोगों के लिए एक भयावह की तरह है। जतिंगा आसाम। जतिंगा आसाम का एक छोटा सा गांव है जो कि छुट्टियों के लिए परफेक्ट माना जा सकता है, लेकिन ये जगह इसलिए फेमस नहीं है बल्कि यहाँ पर हर साल मानसून के महीने के दौरान होने वाली एक घटना के लिए फेमस है। यहाँ पर हर साल मानसून के महीने के दौरान ठीक सूर्य अस्त के बाद पक्षी ग्रुप में आत्महत्या करते हैं। वहाँ के लोगों का मानना है कि इस घटना के पीछे बुरी आत्माओं का हाथ है। ये कितना सच है और कितना झूठ, ये किसी को भी नहीं पता। भानगढ़ किला राजस्थान। 17वीं शताब्दी में निर्मित भानगढ़ किला राजस्थान में स्थित है। ये किला इतना सुंदर था कि जयपुर के गुलाबी शहर को इसके डिजाइन के अनुसार बनाया गया था। लेकिन आज ये किला भारत के मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस में गिना जाता है। यहाँ तक कि इस किले में सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच टूरिस्ट का जाना भी मना है। कुछ लोग इसे एक अभिशाप कहते हैं। लोगों का कहना है कि यह स्थान एक जादूगर की दुष्ट आत्मा का घर है, जिसे भानगढ़ की राजकुमारी से प्यार हो गया था। हालांकि किसी भी अफवाह को साबित करने के लिए कोई भी सबूत नहीं है। ज्ञानगंज समवेयर इन द हिमालयस। हिमालय के बर्फ से ढकी चोटियां रहस्यों को काफी हद तक छुपाती हैं। एक रहस्य जो दूसरों से अलग है वह है अमर प्राणियों का एक रहस्यमय घर, जिसे ज्ञानगंज जैसे कई नामों से जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि ये जगह अपने आप को अलग अलग तकनीकों से छुपाती है या यहाँ पर पूरी तरह से एक अलग आयाम में मौजूद है, लेकिन अभी इस जगह को कोई भी ढूंढ नहीं पाया है। अगर आपको इफेक्ट्स पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और कमेंट करके बताएं कि आपको सबसे हैरान कर देने वाली जगह कौन सी लगी। बाय बाय।